आज हम बात करेंगे हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड की, यानी ट्रेडिंग के समय क्या क्या हिंड्रेंसेस या बाधाएं आती है। सबसे पहले हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय ट्रेड। यानी अगर किसी कंज्यूमर को कुछ खरीदना है, अगर प्रोड्यूसर को कुछ बेचना है तो उसे कंज्यूमर चाहिए, और अगर कंज्यूमर को कुछ खरीदना है तो उसे प्रोड्यूसर चाहिए जो उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। तो ये जो हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, इसको रिमूव किया करता है कॉमर्स उन्हें एक प्लेटफॉर्म देके ट्रेडिंग का, कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना गुड्स प्रोड्यूस करके कंज्यूमर्स को बेच पाए, और जो कंज्यूमर है वो बदले में प्रोड्यूसर के गुड्स खरीदे। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, इसे थ्रू ट्रेडिंग ओवरकम किया जाता है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेड प्लेसेस विदाउट लॉस। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री दिल्ली में है और आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा मुंबई में हैं, तो ये जो बाधाएं आ जाती है दो जगह की, डिस्टेंस प्लेसेस कि आप दिल्ली में, आपको मुंबई में सामान बेचना है, तो ये जो हिंड्रेंस है, ये जो बाधा है, इसे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। दिस हिंड्रेंस इज सॉल्व्ड बाय वेयरहाउसिंग, गोडाउन और स्टोरेज। तो अगर आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया है तो वो साथ ही साथ नहीं बिक जाएगा, उसे टाइम लगेगा, तो उससे पहले आपको उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये जो बाधाएं आ जाती है स्टोरेज की, कि इतना सारा गुड्स जो प्रोड्यूस हो गए उसे कहाँ रखेंगे, ताकि उसे जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़े उस समय उसे बेच सके। तो ये जो बाधाएं है हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कि हम अपने गुड्स को कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे दिस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इस हिंड्रेंस को सॉल्व किया जाता है थ्रू गोडाउन, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, कि आप अपने गुड्स को गोडाउन में रख सकते हैं, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, इन सब मेथड से। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। डैमेज, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इन वेयर हाउस कैन बी सॉल्व बाय इंश्योरेंस। मान लीजिए कि आपने कोई माल कहीं और भेजा, किसी और स्टेट में भेजा, तो उसी रास्ते में मान लीजिए कि ट्रक पलट गई या कुछ बुरा हो गया, या फिर रास्ते में ही कुछ हो गया आपके गुड को, मौसम ख़राब था या फिर आपके जो भी गुड्स था वो ख़राब हो गया थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो इस जो ये प्रॉब्लम आ रही है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, क्या तो इसे जो है इसे आप ओवरकम कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने उस पर्टिकुलर गुड का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, ताकि आप पूरे लॉस में ना जाए। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है इसे ओवरकम किया जा सकता है थ्रू इंश्योरेंस। नेक्स्ट हिंड्रेंस है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग कैन बी ओवरकम बाय अरेंजिंग मनी एंड मेकिंग पेमेंट्स टू द सेलर थ्रू बैंक्स एंड अदर रिसोर्सेज व्हिच आर नोन एज बैंकिंग। तो सबसे पहला हिंड्रेंस जो है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग, अगर आपको कोई भी बिजनेस खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए उसको खड़ा करने के लिए बिजनेस को। तो ये जो बाधा आती है आपका बिजनेस खड़ा करने पे फाइनेंसिंग की, इस हिंड्रेंस को हम रिमूव कर सकते हैं बैंकिंग से, कि बैंक आपको आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन देगा। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग को ओवरकम किया जाता है थ्रू बैंकिंग। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग, एग्जाम्पल एडवर्टाइजर। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज जो है, अगर किसी कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट कैसे खरीद सकता है। तो ये जो हिंड्रेंस आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज,
कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट को रेकोगनाइज करे। इस हिंड्रेंस को हटाया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो ये रहे कॉमर्स के 6 हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड।